बिहार के गया जिले का बोधगया, जिसकी निरंजना नदी में पुलिस वाले कुछ निकाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बोरे में क्या है, सोच रहे होंगे कि खानेदार इस तरह से पानी के अंदर से क्या निकाल कर ले जा रहा है। आखिर नदी की गहराई में छिपाकर क्या रखा गया जिसे बिहार पुलिस निकाल कर ले जा रही है। जवाब आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि जिस बिहार में शराबबंदी है वहाँ शराब के तस्करों ने नदी को ही गोदाम बना डाला है। ये क्या ला रहे हैं सर? दारू पक रहे हैं। शराब है। कहाँ है ये जगह? देसी शराब है। अच्छा, ये कोसला नदी है, लाड़ू घाट है। कोसला नदी में गुप्त सूचना मिला कि नदी पार कर रहे हैं। कितना होगा कम से कम दारू भी? यार दो बड़ा है। शराब माफियाओं की करतूत देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। नदी में पुलिस को कुछ ढूंढते देख गांव वालों की भीड़ लग गई। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पुलिस नदी में क्या तलाश कर रही है। लेकिन जब पुलिस कर्मियों के हाथों में विदेशी शराब से भरे बोरे देखे गए तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता था कि नदी में गड्ढा खोदकर कोई वहां पर शराब का गोदाम भी बना सकता है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए शराब के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। ये उस बिहार का हाल है जहां 8 साल से शराबबंदी कानून लागू है, 12,79,000 लोगों की गिरफ्तारी और 8,43,000 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। इतना ही नहीं, शराबबंदी वाले राज्य में 8 साल में 3 करोड़ की 46 लाख लीटर शराब भी बरामद हुई है, जबकि जहरीली शराब से 266 लोगों की मौत की बात सामने आई है। लेकिन फिर भी बिहार में शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्करों का नेटवर्क इतना पुख्ता है कि इतना सख्त कानून होने पर भी ये गोरख धंधा चल रहा है, जिसके लिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी की गई। यहाँ पेट्रोल के टैंकर में शराब की पेटियाँ जब प्रशासन को मिली तो किसी को यकीन नहीं हुआ। तस्करों ने पुष्पा फिल्म की तरह टैंकर में बदलाव किया, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। अरुणाचल प्रदेश से तेल टैंकर में तहखाना बनाकर शराब की खेप अनलोड की जा रही थी, उसी वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने रेड डालकर 20 लाख की शराब जब्त कर ली। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के अंदर कुछ लोग शराब माफियाओं के मददगार बने हुए, माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। इसके चलते चौतरफा लगातार शराब की खेप पकड़ी जाती है। अब आपके सामने बेगूसराय में बीच नदी में नाव पर शराब बनाते लोगों की तस्वीर है। इसका खुलासा तब हुआ जब अंचल अधिकारी ने मुखिया को सरकारी नाव को दूसरे पंचायत में देने की बात कही। जब मुखिया ने नाव की खोज नदी में जाकर की तो अवैध शराब कारोबारी सरकारी नाव पर अवैध महुआ शराब बनाते हुए पकड़े गए। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी को लेकर सरकार के दावे हकीकत से परे हैं। उसका सवाल है, कितने लोगों को जेल में डालकर भी शराबबंदी अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? बिहार में इस डबल इंजन की NDA सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल साबित हो गई है, और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण है। और ये बात कि शराबबंदी कानून विफल है, बिहार में शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहे हैं, ये बात बिहार सरकार के माननीय मद्य निषेध मंत्री जी ने स्वीकार किया है। सरकार तो समीक्षा करती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, उसको पकड़ती नहीं है। शराबबंदी जो है आज के दिन में सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर में बिहार में आज के दिन में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि पुलिस जो है लगी हुई है शराब पकड़ने के लिए। यहाँ बाकी जो अपराध हो रहा है, हत्या का, चोरी का, डकैती का, उसमें पुलिस जो है कुछ कर ही नहीं पा रही है। दिन भर SP साहब का और DM साहब का दबाव रहता है कि किसी तरह से शराब पकड़ो। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास जो है शाबाशी, हाँ हाँ भाई इतना गाड़ी पकड़ा, उतना गाड़ी पकड़ा, तो ये गलत है। एक अलग सिंडिकेट खड़ा हुआ है। बिहार का शराबबंदी जो है एक आईवॉस है, हर एक जगह होम डिलीवरी चल रही है। शराबबंदी 110% बिहार से जो है हटना चाहिए। नीतीश के साथ होने और अलग होने पर BJP और RJD के सुर शराबबंदी को लेकर बदल जाते हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं और नदी तक में शराब के गोदाम मिल रहे हैं, उससे अगले साल बिहार चुनाव में इसके एक बड़ा मुद्दा बनने की पूरी संभावना है।